हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टीवी लेटेस्ट अपडेट्स में। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे मृणाल ठाकुर की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल और उनसे जुड़ी ऐसी अननोन फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही आप जानते होंगे। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका और हमारा कनेक्शन बना रह सके। मृणाल ठाकुर एक भारतीय अभिनेत्री है। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की, लेकिन वर्तमान में मृणाल ठाकुर बॉलीवुड के कई फिल्मों में बड़े अभिनेताओं के साथ लीड रोल में काम कर चुकी है। मृणाल ठाकुर को कुमकुम भाग्य के बुलबुल रोल के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। मृणाल ठाकुर का जन्म 1 अगस्त 1992 में महाराष्ट्र के नागपुर शहर भारत में एक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता उदय सिंह ठाकुर हैं, जो पेशे से बैंक ऑफ इंडिया बैंक में मैनेजर हैं। मृणाल की एक बड़ी बहन लोचन ठाकुर है, जो एक मेकअप आर्टिस्ट है, और एक छोटा भाई है जिसका नाम मंदर ठाकुर है। मृणाल अपनी ग्रेजुएशन किशन चंद चेलराम कॉलेज मुंबई से की है। इसके बाद इन्होंने मास मीडिया जर्नलिस्ट की डिग्री ली है। मृणाल ठाकुर वर्तमान में बॉलीवुड की अभिनेत्री है। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो इनकी हाइट 5 फीट 5 इंच है, वेट 55 केजी, फिगर 34-26-36 है, आईज कलर डार्क ब्राउन, हेयर कलर ब्लैक। अब हम लोग इसकी कैरियर के बारे में जानेंगे। मृणाल ठाकुर जब कॉलेज में थी तो 2012 में स्टार प्लस के सीरियल मुझसे कुछ कहती है ये खामोशियां में लीड रोल की भूमिका निभाई। इस सीरियल से मृणाल ठाकुर अपने कैरियर की शुरुआत करती है। मृणाल को इस सीरियल से ही इनके रोल को काफी पसंद किया जाने लगा था। नच बलिए सीजन 7 में मृणाल अपने बॉयफ्रेंड शरद चंद्र त्रिपाठी के साथ भाग ली थी। यह सीरियल 2012 से 2013 तक चली। इसके बाद मृणाल ठाकुर अपनी दूसरी भूमिका स्टार प्लस के सीरियल हर युग में आएगा एक अर्जुन में जर्नलिस्ट साक्षी आनंद की भूमिका निभाई थी। 2014 में शुरू हुई जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में मृणाल ठाकुर लीड रोल निभा रही थी। श्रीति झा यानी प्रज्ञा अरोरा की छोटी बहन बुलबुल अरोरा की भूमिका निभाई थी। कुमकुम भाग्य में मृणाल ठाकुर के रोल को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था और अभी भी इनको अधिकतर कुमकुम भाग्य के बुलबुल के नाम से जाना जाता है। मृणाल ठाकुर 2016 में कुमकुम भाग्य सीरियल से बाहर निकल गई। इसके बाद मृणाल को फिल्मों में काम करने का मौका मिला। अब चलिए दोस्तों, अब इनके फिल्म कैरियर के बारे में जानेंगे। मृणाल ठाकुर अपने पहली फिल्म मराठी हेलो नंदन में लीड रोल निभाई। इसके बाद मृणाल ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म लव सोनिया, यह फिल्म 2018 में रिलीज हुई। 2019 में मृणाल ठाकुर बॉलीवुड के बड़े अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ फिल्म सुपर 30 में काम की, हालांकि यह फिल्म असफल रही। इसी साल इनकी और एक फिल्म बटला हाउस जॉन अब्राहम के साथ लीड रोल निभाई थी। मृणाल ठाकुर के बॉयफ्रेंड शरद चंद्र त्रिपाठी, जो पेशे से एक राइटर हैं, अभी तक मृणाल शादी नहीं की है। मृणाल ठाकुर की इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर की बात करें तो यहाँ इनके फॉलोअर्स लाखों में है। इंस्टाग्राम में मृणाल ठाकुर के फॉलोअर्स 1.6 मिलियन है और मृणाल 819 लोगों को फॉलो भी करती है। इंस्टाग्राम में इन्होंने अभी तक 2346 फोटोज अपलोडेड कर चुकी हैं। इनकी ट्विटर की बात करें तो यहाँ भी इनको चाहने वाले कम नहीं हैं। यहाँ इनके फॉलोअर्स तकरीबन 65,000 हैं और मृणाल 525 लोगों को फॉलो भी करती है। मृणाल ठाकुर को फेसबुक पर 1,34,795 लोग लाइक करते हैं और 1,37,873 लोग फॉलो करते हैं। मृणाल ठाकुर बहुत कम समय में टीवी सीरियल से बॉलीवुड में फेमस हुई और लोकप्रिय भी हो गई। इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्म जैसे सुपर 30 और बटला हाउस फिल्मों में भी काम कर चुकी है। मृणाल ठाकुर का फेवरेट कलर पिंक, व्हाइट और येलो है। इनका फेवरेट क्रिकेटर्स सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली हैं। मृणाल ठाकुर की हॉबीज जो हैं,
डांसिंग, फोटोग्राफी, बुक रीडिंग और वॉचिंग क्रिकेट्स है। बस दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।